एज यूजुअल हमारे पाकिस्तान में खासतौर पर नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा होता है, सभी को पता है ऑलमोस्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे होते हैं तो माशाल्लाह वो एक सिलसिला जो है वो बन जाता है। तो आज की जो पर्सनैलिटी हमारे साथ है वो इंशाल्लाह बस जल्दी हमें ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि नेटवर्क के थोड़े से इशूज हैं जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोग्राम को जब करने के लिए जाएं और स्टार्ट लें तो अल्लाह तबारक तआला भी हमारे साथ। जो भी पर्सनालिटी शामिल होंगे उनसे हम जरूर पूछेंगे उनके बारे में कि उनकी उनका ये सफर, उनकी ये जर्नी किस तरह से वो लेकर चले और किस तरह उनका जो है ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ। तो BPWS के ताबुन से जो हम ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इसमें आप लोगों के व्यूज जो मुझे मिल रहे होते हैं माशाल्लाह, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, यूट्यूब पे, और पर्सनली जो आप लोग मुझे लिंक दे रहे होते हैं, उससे मुझे बड़ी अच्छी एक फीडबैक जब आती है तो उससे आपको फिर महसूस होता है कि हाँ आप किस तरह से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो मेन चीज यही है कि आपको मेरा ख्याल है मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है, उधर से आवाज नहीं आ रही है। नो आइडिया। बहरहाल मैं ब्रिटिश पाकिस्तान सोसाइटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। अस्सलाम शायद जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा मैं खुद ही शुरू हो जाता हूँ, होस्ट गायब है तो मैं ही शुरू हो जाता हूँ। नेटवर्क के इतने इश्यूज हैं और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो जाते हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये नेटवर्क का आज थोड़ी बारिश भी हुई है हमारे बहरिया टाउन में, और क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ बहरिया में अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ कुछ ना कुछ क्लाउडनेस होती रहती है रोजाना ही, तो आज कुछ जो है बारिश की बूंदे बरस गई है। तो इसी के साथ साथ आपको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम। थैंक यू जी। सायमा, आपका नेट फिर मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट हो रहा है या समथिंग वेंट रॉन्ग। एक सेकेंड मैं जरा कन्वर्ट करती हूँ। जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको शो? एक्चुअली वही नेटवर्क इश्यूज और मेरा शायद नेटवर्क आज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, और हमारी आज की पर्सनैलिटी वो माशाल्लाह से ऐसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अब मैं आ गई दोबारा आपके सामने। जी शहूद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
जी बताइए जरा आज अपने बारे में, आज हमने आपकी अपनी आपकी जो पर्सनालिटी है माशाल्लाह उसके बारे में। अच्छा, आपका सवाल मुझे जहां तक समझ आया, क्योंकि यहां तक आके आप फ्रीज हो जाती है मेरे सामने। डायरेक्शन भी की है, एज स्क्रिप्ट राइटर भी थोड़ा बहुत काम किया है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी मैं करता रहा हूं अपनी जिंदगी में। सायमा फिर मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है, शायद हमें ज्वाइन करेंगी। मैं बहरहाल जितना आपका साथ दे सका, और इस इंटरनेट ने मेरा साथ दिया, मैं इतनी देर आपके साथ जरूर रहूंगा इंशाल्लाह। तो ये है जी मेरी छोटी सी कहानी, और इससे ज्यादा ये आ गई मेरे ख्याल से सायमा हमारे साथ। जी बिल्कुल सायमा, आगे ये कहानी बहुत छोटी सी नहीं है शहूद, क्योंकि मैं जो आपको देखती हूँ ना, आपकी माशाल्लाह एक्टिंग जो है वो आप जब डायलॉग्स जो आपकी डिलीवरी है आपकी आंखों में नजर आ रही होती है, मतलब इसका क्या मेन रीजन है कि सम टाइम ऐसा होता है कि लोग जो बोलने पे भी शायद वो रिप्लाई नहीं दे सकते जो आप सिर्फ अपनी आंखों से एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो इसकी क्या मेन, आपने किसी खास कोई अकेडमी? अच्छा आप फिर फ्रीज हो गई हैं, मगर मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, और इंसान कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अल्लाह पाक अगर चाहते हैं तो उसके अंदर ग्रूमिंग, एक जो सेल्फ ग्रूमिंग का एक एरिया होता है, अगर वो स्ट्रांग है तो वो दुनिया से, लोगों से मिलजुल के सीखना शुरू कर देता है जो उसके इर्द गिर्द हो रहा होता है। तो मैं भी उन्हीं मामूली से लोगों में से एक आदमी हूँ जिसके अंदर अल्लाह पाक ने ये शायद सलाहियत दी थी, शायद, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो ग्रूमिंग इस तरह से लेनी शुरू की, लेकिन शुरू की जब मैं अपने अभी प्लेस देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि आई वॉज सच अ बैड एक्टर। और अभी भी मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, कि मेरे देखने वाले भी बता सकेंगे। लेकिन मीन वाइल बीच में एक आध जगह मुझे कहीं पढ़ने का इत्तफाक हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं पाकिस्तान में कर ही रहा था तो मुझे अंदाजा था कुछ काम का, और प्रैक्टिकली मैं चीजें सीख भी रहा था। लेकिन उसी प्रोसेस के दरम्यान मुझे बाहर जाने का मौका मिला, और वहां पे कुछ शॉर्ट कोर्सेज मैंने एक आर्ट स्कूल से किए, तो मुझे कुछ थ्योरी का भी पता चलना शुरू हुआ, कुछ सेंसिटिविटी वक्त के साथ बढ़नी शुरू हो गई। मेरे उस्ताद एक चीज कहा करते थे, वो ये कहते थे कि इस काम में आने के लिए नाकाम आशिक होना बड़ा जरूरी है, जिंदगी के एक दो इश्क नाकाम होने चाहिए। और इत्तफाक से मेरी जिंदगी में कोई नाकाम इश्क था नहीं, एक ही इश्क किया था, वो इश्क से शादी हो गई, फिर वो 3 बच्चों की माँ बन गई, वो आज तक साथ है। तो मेरी जिंदगी में कोई नाकाम इश्क नहीं है सच, लेकिन कुछ साथी मेरे जरूर जिंदगी के ऐसे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, खास तौर पे मेरे कॉलेज में, और एजुकेशन टाइम के भी, फिर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के भी, जिनको खोने का मुझे बहुत दुख है। तो हाँ, मैं एक सर्टन सदमे से गुजरा, और वो जो सदमा था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मुझे अपने उस्ताद की बात बार बार याद आती है कि नाकाम इश्क जो है वो इंसान को कितना सिखाता है। सही, मतलब ये आपके सफर से अंदाजा होता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उन्होंने आपको और ज्यादा मोटिवेट किया और आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, कि आपके साथ शाना बशाना चलने में। जी बिल्कुल सहमा, ऐसे ही था। मेरी बीवी जो है वो, हमारी शादी बहुत अर्ली एज की है, वाज 20 एंड शी वाज 19 दैट टाइम, 93 में हमारी शादी हो गई थी। तो मेरे साथ के जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनकी शादियां बाद में हुई, तो उनके बच्चे भी छोटे छोटे, मेरे बड़े हो गए, तो ये रहा। लेकिन मेरी बीवी ने हर उम्र के हर हिस्से में मेरा बड़ा साथ दिया। अगर मैं कहूं कि अल्लाह और उसके नबी के बाद, मेरे माँ बाप के बाद, दुनिया में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, और वो मेरी बीवी है, तो ये गलत नहीं होगा। नो डाउट अबाउट इट, मेरे अंदर मोटिवेशन सारी जितनी भी है उसकी, मेरे घर वालों का बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरी माँ का बहुत ज्यादा किरदार है उसमें, मेरी तरबियत में भी, मेरे अंदर जो लाइफ टूवर्ड्स लाइफ जो मैं सोचता हूँ उसको लेके भी मेरी माँ की तरबियत मेरे साथ साथ रही है, और मैंने बहुत सीखा है अपनी माँ से। मेरी माँ एक बहुत जेन्युइन टैलेंटेड औरत है, और अल्लाह उनको जिंदगी दे सेहत के साथ। वाले साहब मेरे अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे वाले साहब भी एक बहुत नफीस दोस्त नुमा बाप थे, तो मुझे अपने वाले साहब के साथ भी जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई एम सो लकी
कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, फिर अल्लाह ने मेरे बहन भाई जो दिए वो मुझे बड़ा मोटिवेट करते रहे लाइफ में, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। अब वो यहाँ नहीं है मेरे साथ, एक अमेरिका में, कनाडा में, लेकिन स्टिल हम अभी भी आपस में कनेक्टेड हैं। और फिर मेरी बीवी, तो ये तो सही। मेरी जिंदगी में, आई एम वेरी लकी। यस और ये वाकई ये चीज आपने बिल्कुल सही कही कि आपके इर्द गिर्द के जो आपको जो जैसे कहते हैं जो आपकी पावर होते हैं वो आपकी फैमिली होती है। मैं जो समझती हूँ ऐसा ही। क्योंकि आज हाँ, लिखा तो आ रहा है आई एम द शो। फेयर इनफ, मैं उनको सवाल नहीं समझ पाया, मेरा ख्याल है हमें सैमा अभी दोबारा ज्वाइन कर लेंगी, हम आते जाते ही रहेंगे, कुछ नेटवर्क की वजह से गालबन ऐसा हो रहा है। आ गई सैमा भी, आ गई। नहीं आज ये कुछ है देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई नजर लगा रहा है प्रोग्राम में क्योंकि सुबह से आपकी पोस्ट चल रही है आज और सबके क्वेश्चंस थे कि आज हमने इनसे ये सवाल करने हैं ये पूछना है। काफी लोगों ने माशाल्लाह से आपको सलाम कहा है माशाल्लाह कह रहे हैं आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और अभी मैं वही जो SMS वगैरह आपकी पढ़ रही थी माशाल्लाह तो इससे कितनी कितनी पावर मिलती है शहूद आपको कि जो लोगों के जो व्यूज होते हैं चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अच्छा, लोगों के पॉजिटिव तो नेचुरली बहुत, आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपको बहुत मोटिवेशन देते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं, अगर पॉजिटिव हैं लोगों के और लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जरूरी नहीं है सब आपको पसंद करें, आपको ना पसंद करने वाले लोग भी होंगे। आपकी परफॉर्मेंस बहुत से लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी, आपकी जात ही शायद लोगों को अच्छी ना लगे, शायद आपकी शक्लो सूरत की वजह से कुछ लोग आपसे नापसंदीदगी का इजहार करें, तो मुझे लगता है कि उनको पूरा राइट है। जैसे मुझे चाहने वालों को या मुझे पसंद करने वालों को राइट है कि वो मेरी तारीफ कर देते हैं, इसी तरह पूरा राइट है उन लोगों को जो मुझे नापसंद करते हैं, उनको अपनी बात कहने का पूरा राइट है, और वो सही भी हैं किसी हद तक या होंगे। मैं एजुकेट होने की कोशिश करता हूँ जी, इससे मैं बुरा नहीं मानता। मेरी पहली तो प्रायोरिटी यही होती है कि मैं कुछ सीख सकूं उन लोगों से भी, क्योंकि बहरहाल अल्लाह ने जो भी इंसान बनाया है उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी तरफ से गलत कभी नहीं होता, डिफरेंट हो सकता है, गलत नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि जो उसके अंदर एक डिफरेंट है चीज, मैं उससे कुछ सीख सकूं, गेन कर सकूं। और एज एन एक्टर या एज डायरेक्टर या इस फील्ड से रिलेटेड मेरा ये जिम्मेदारी भी है कि मैं लोगों से सीखूं, फिर मैं वही आगे लोगों को पेश भी कर पाऊंगा ना। अच्छा सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है आपकी कि आपका जो रोल आपको दिया जाता है चाहे वो आप नेगेटिव रोल कर रहे हो या पॉजिटिव आप उसमें पूरा भरपूर जिसे कहते हैं ना वो क्योंकि मैंने काफी सारे आपके बोल मेरी मछली जो है वो नेगेटिव रोल में था वो ऐसा असर करके गया कि वो आज तक लोगों को याद है आपका रोल। और पॉजिटिव रोल की अगर बात करते हैं तो वो भी माशाल्लाह से इनकमिंग डेज में आपके जो प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरह से अपने आपको आप उस सांचे में ढाल देते हैं कि लोग फिर आपको उसी में प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि नहीं शहूद की पर्सनालिटी ऐसी है तो ये इसमें किस हद तक आप प्लानिंग करते हैं या होमवर्क करते हैं किस तरह से। अच्छा, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि मैं उसको ऐसे करता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करता, मैं वैसे कर देता हूँ जैसा मुझे समझ आ रहा होता है, मगर अपनी ईमानदारी से करता हूँ, अपने दिल की गहराई से करता हूँ। तो अल्लाह पाक उसमें रंग भर देते हैं और वो लोगों को पसंद आने लगता है, बस ये है टोटल कहानी। चाहे नेगेटिव जी करूं चाहे पॉजिटिव करूं, एक छोटा मोटा रिसर्च वर्क जरूर करता हूँ अपने कैरेक्टर के हवाले से, लेकिन परफॉर्मर में कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, आई प्रॉमिस यू। दुनिया में अगर कुछ लोग मुझे कहते हैं, समझते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं दिल पे हाथ रख के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अच्छा एक्टर नहीं समझते हैं, तो एक्चुअली वो सही समझते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड एन एक्टर, आई एम नॉट अ गुड एक्टर। मेरा इशू ये है कि मैंने जो करना होता है मैंने अपने बाप से सीखा था, और अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करें, उन्होंने कहा था बेटा लाइफ में जो करना है ना प्योरिटी के साथ करना है, चाहे वो लोगों को सही समझ आए ना आए, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज कि तुम्हारा जमीर मुतमईन है या नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो करते वक्त तुम ये मानते हो कि तुमने अपना 100% देने की कोशिश की है, तो फेयर इनाफ,
तुम कामयाब आदमी हो। तो मैंने सिर्फ ये कोशिश की है लाइफ में, कामयाब हुआ हूं नहीं हुआ हूं ये सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ऐसे रंग भर देते हैं कि वो देखने वाले को लगता है जी शऊर साहब तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, हालांकि शऊर साहब तो बहुत पैथेटिक हैं। तो आई विल जस्ट ट्राई। ये तो बस इसकी वजह यही ना कि आपकी नियत ये होती है कि चाहे वो नेगेटिव रोल हो रहा है या पॉजिटिव, आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं कि नहीं अब अगर मुझे दिस इज योर ड्यूटी ना कि आपने वो चीज पैगाम वो चीज आपने घरों तक पहुंचानी होती है। तो अच्छा आजकल जो ड्रामे हैं शहूद, उसमें आप क्या समझते हैं कि रिजवान साहब आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं माशाल्लाह और नाइस प्रोग्राम और आपकी पर्सनैलिटी को कहा जा रहा है कि यू आर वेरी गुड, क्योंकि मैं साथ साथ आपके जो व्यूज हैं वो जरूर बताऊंगी। और बाकी ये कि मैं यही पूछना चाहूंगी कि अभी जो ड्रामे आ रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हद तक मुझे समझ नहीं आ रहा होता और बाकी कुछ ऐसे मतलब ड्रामे होते हैं जो कुछ बहुत से आपको लेसन देके जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कुछ ऐसी कहानियां या कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमें घरों तक नहीं पहुंचानी चाहिए वो चीज पहुंच रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं इससे 100% अग्री हूँ। जितने भी देखने वाले हैं हो सकता है उनको शायद मेरी ये बात ना लगे सही, लेकिन मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री का बुनियादी मकसद एंटरटेनमेंट है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों को एंटरटेन करें। अच्छा, मगर हमारे यहाँ के कुछ लोग, मेरी शिकायत है अपने उन देखने वालों से जो मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे मेरे व्यूवर्स हों चाहे दूसरों के हों, बट ओवरऑल जो टेलीविजन देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आप लोग खुद रोना धोना शायद ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें इसका एहसास होता है जब रेटिंग्स आती हैं ड्रामे की, तो हमें पता चलता है कौन सा ड्रामा ज्यादा देखा जा रहा है कौन सा कम। तो उसमें रोने धोने वाला ड्रामा ज्यादा देखा जाता है, तो आपके देखने की वजह से चैनल मोटिवेट होता है और चैनल उसी तरह के सब्जेक्ट मांगता है। आप जिस तरह की चीज देखेंगे हमारे पास रेटिंग आएगी, हमारे चैनल्स, हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एक्टर्स सब वही काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। आपकी रेटिंग अगर रोने धोने खानदानी सियासत से हटके आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप वो चीजें मत देखें उन दिनों ताकि उसकी रेटिंग ना आए। लेकिन ये मैं ज्यादती करूंगा अपने काम के साथ ये कह के भी कि ना देखें, बट ये आप लोगों पर डिपेंड करता है बुनियादी तौर पर जो मेरे देखने वाले हैं। पाकिस्तान का ड्रामा चाहे दुनिया में कहीं भी देखा जाता है, उन सब के देखने वालों के की वजह से हम सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, ये है संविधान। है मैं अगर अपने जैसे कहते हैं स्कूल कॉलेज लाइफ की अगर बात करती हूँ तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को वो माना जाता था कि लोग आके बकायदा इससे लेसन लेते थे सीखते थे, और बजिया साहिबा हो गई, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, और भी काफी सारे माशाल्लाह से जो राइटर्स थे डायरेक्टर्स थे, तो अब इन दिनों जो लोग माशाल्लाह से आ रहे हैं इंडस्ट्री में उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं कि जो चाहते हैं कि हाँ हम इसमें आगे बढ़कर काम करें? शायद उनमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मेरा एक रिलीजियस सिलसिले से ताल्लुक है कि मैं कुछ इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करती हूँ, लेकिन अब मेरा शौक हुआ कि नहीं मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है। और जरूरी नहीं है कि अगर आप शुरू से आप वो काम कर रहे हैं तो आपने वही काम करना है, तो क्या हम जैसों के लिए आप क्या इसमें मैसेज देना चाहेंगे कि हमें में आना चाहिए अगर हम कोई पॉइंट ऐसा लेकर आते हैं कि जो लोगों के घरों तक जाए और वो एक लेसन हो, वो एक मैसेज हो जो आने वाली जनरेशन उसको फॉलो कर सके? देखिए, जहां तक मैसेज का ताल्लुक है और तो प्लेज हमारे ज्यादातर प्लेज हुए हैं, बल्कि मैं अगर कहूंगा ये तो गलत ना होगा कि 100% प्लेज, सारे प्लेज कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज ड्रॉप जरूर कर रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है, हम कहीं भी ड्रामे में एक नेगेटिव आदमी को जीता हुआ नहीं दिखाते, या एक औरत को जो नेगेटिव औरत है उसको उसकी हम जीत नहीं दिखाते। हम सच की जीत दिखा रहे हैं और हम बुराई की या नेगेटिविटी की हार दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम 100% मैसेज तो कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, मुबर्रा इससे हमें एंटरटेनमेंट का भी सोचना है, हमें लोगों को कहीं हंसाना भी है, कहीं रुलाना भी है, कहीं उनका टाइम अच्छा किल हो हमें वो भी देना है, क्योंकि ये हमारी बेसिक जॉब का हिस्सा है। जो नए आने वाले हैं, मैं आपको सच बताऊं, जिनके साथ मैं अब काम कर रहा हूं और मेरे बाद की जितनी भी जनरेशन आ रही है इस वक्त, गो के उसके अंदर बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं मुझसे बेहतर एक्टर्स हैं, मुझसे बेहतर डायरेक्टर्स हैं, मुझसे बेहतर राइटर्स हैं, मुझसे बेहतर बेहतर इंसान है, और उनके साथ काम करके मुझे खुद सीखने का मौका मिलता है। तो मैं बिल्कुल आप में से जितने दोस्त आना चाहते हैं इस फील्ड में और अपनी किस्मत भी आजमाना चाहते हैं और इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, इस नियत से अगर आ रहे हैं कि यार आपने सिर्फ मशहूरी करनी है, अपने पार्टीज करनी है, पीना पिलाना है, तो भाई मैं माजिद चाहता हूँ,
ये इस काम में आए बगैर भी हो सकता है, कहीं और कर लें गंदबला जाके। इस काम में अगर आना है मैं समझती हूँ बल्कि कि नॉर्मल रूटीन में भी लोग ये सब चीजें रखते हैं, लेकिन इस फील्ड को ज्यादा क्यों नेगेटिव कहा गया, मेजोरिटी क्यों नेगेटिविटी सामने आ रही होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यू कमर्स जो न्यू लोग जो आना चाहते हैं अच्छी फैमिलीज के भी हैं, और मैं मेजोरिटी बल्कि 90% अगर देखा जाए तो फैमिलीज अच्छी हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको कह दिया कि नहीं इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। इस चीज से मुझे बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि जब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं समझेंगे कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जी, मैं बिल्कुल आगे यही कहना चाह रहा था कि अगर हम इस काम को ये सोच के फॉलो करते हैं या इस काम में इसलिए आते हैं कि हमें सर्व करना है, हमें लोगों तक अच्छी बात पहुंचानी है, हमें गंदी चीज नहीं पहुंचानी है, हमें अपनी नई नस्ल के दिमाग में फिजूलियात नहीं डालनी है, हमें उनके दिमाग को मिसगाइड नहीं करना, तो मेरा ख्याल है हम एक इबादत की तरह इस काम को कर पाएंगे। और गालिबन फिर ये काम हराम भी उस अंदाज से नहीं है। लेकिन जो तस्वीर का मुद्दा है, और कुछ रिलीजियस लोग कहते हैं कि जी शक्ल आना और ये, आई एग्री विद देम, मैं किसी से यहाँ पर डिनायल के लिए नहीं बैठा, तो मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन अगर अच्छी फैमिलीज के लोगों की, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरा अपना ताल्लुक अलवी फैमिली से है, सैयद खानदान है, मेरे खानदान में इस टेलीविजन में मुझसे पहले सिर्फ एक शख्स थे, वो भी मेरे रिश्ते के मामू हैं, इकबाल अंसारी, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, प्रोड्यूसर, पीटीवी प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और उन्हीं के तवस्सुत से मैं इस फील्ड में भी आया था, मेरे उस्ताद भी वही हैं। तो सिर्फ वो एक नाम था, इसके अलावा मेरे खानदान में से कोई भी इस फील्ड में नहीं था। लेकिन मेरे आने के बाद अभी भी शायद मेरे खानदान के लोग मुझे उसी नजर से देखते हैं, तो मैं भी वही सब फेस कर रहा हूँ कि ये काम बुरा है, ये काम गलत है। जो आदमी गलत काम कर रहा है और इस फील्ड से हटके कर रहा है, वो आपकी नजरों में नहीं आएगा। इस बिल्कुल काम में सही, अगर वो कोई आदमी गलत कर रहा है, चाहे परसेंटेज कम ही क्यों ना हो, शो बिजनेस की वजह से वो आपकी नजरों में आएगा, वो खबरों में आएगा। तो आप लोगों को, सबको देखने वालों को लगता है यार इस फील्ड में बुराई है। अगर इस फील्ड में बुराई है, तो मल्टीनेशनल फर्म्स में जो बच्चे या बहन बहने या भाई मेरे जॉब कर रहे हैं, उधर भी बुराई है। बुराई इंसान के अंदर होती है, किसी चीज में थोड़ी होती है, किसी फील्ड में थोड़ी होती है। मेरी फील्ड में, मैं आपको सच बताऊं, मेरी सेट पे कुछ जगहों पे बाकायदा जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं हम सेट पे, कुछ जगहों पे माशाल्लाह जमात के साथ नहीं होती तो हम अलग अलग नमाज पढ़ते हैं। हमारे हर सेट पे नमाज पढ़ी जाती है, हमारे हर सेट पे लड़की और लड़के वजू में फिर रहे होते हैं। हमारा काम है, दिस इज आर जॉब, तो हम उसको करने के लिए अपना बेस्ट भी दे रहे हैं। किसी हद तक दीन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये काम, आई अग्री, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा, और ना मैं ये कह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं चूंकि ये काम कर रहा हूँ तो ये 100% ठीक है। नो, जो हक बात है वो हक बात है। तस्वीरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि जी तस्वीर बनाना हराम है, तस्वीर लगाना हराम है, तो यस, ये गलत काम है। लेकिन अगर मैसेज करने के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो यकीन जानिए कि मैं पिछले 26-27 सालों से सिर्फ लोगों की खिदमत कर रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस काम में कोई ना कोई मैसेज कन्वे करूं, प्ले पकड़ूं, कोई फिल्म करूं, तो मैं वो काम करूं जिससे लोगों को कुछ अच्छा मैसेज जाए, कुछ कहीं अच्छी तरफ वो मोटिवेशन की तरफ आए। ये है मेरा बुनियादी मकसद। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल 100% वो बात की है कि जो एक हकीकत से करीब तर है। अभी रिजवान साहब का मैसेज आया है कि आजकल के ड्रामे हकीकत से बहुत दूर हो गए, तो मैं बिल्कुल बल्कि उनको देना चाहूंगी और आपसे भी यही पूछूंगी कि जो वाकई आपने बात कही कि जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है, आप देखना बंद कर दें और ये सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी, जो खुद ब हकीकत खुद बात उग खुद जाएंगी। उग अगर आप जाएंगी। कॉमेडी ज्यादा देखेंगे, कॉमेडी को रेटिंग करेंगे ना, तो चैनल मजबूर होता है, देखिए उसको रेटिंग चाहिए, उसकी बिजनेस रेटिंग के साथ है, उसको जितने कमर्शियल मिलेंगे लोग देखेंगे, उसी चीज पे कमर्शियल ज्यादा आएगा, जब उस पे एग्जैक्टली कमर्शियल ज्यादा आएगा तो वो उसी तरह की चीज बनाएगा। आप सही फिक्शन या इस तरह का जितना भी सब्जेक्ट है जो आपको रियलिटी बेस्ड नहीं लगता, देखना छोड़ दें, खुद ब खुद 2-4 सालों में दम तोड़ जाएगा। आपको याद होगा जब हम पीटीवी का ड्रामा करते थे, तो मैं जब पीटी में आया, पीटीवी का काम मैंने करना शुरू किया था, तो इवन उस वक्त एनटीएम इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो प्राइवेट सेक्टर आ चुका था, तो मेरा पहला प्ले एज एन एक्टर भी जो गया था, तो वो एनटीएम पे गया था। तो अच्छा मैं पीटीवी के साथ मेरा अपना कैरियर स्टार्ट एक्चुअली मैंने नहीं किया, मगर मैं क्रेडिट देता हूँ पीटीवी को कि पीटीवी के टाइम में जिस सेंसर पॉलिसी को हम लेके चलते थे, उस पे आज मुझे फखर होता है, जबकि एक वक्त में मैं खुद भी खिलाफ था, नौजवानी जवानी और सोच, बट आज मैं उससे मुतासिर हूं कि पीटीवी की सेंसर पॉलिसी बेहतरीन थी। बिल्कुल उसी तरह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी शिकायत खुदा की कसम आप हमसे ना करें, इसकी शिकायत आप अपने आप से करें। आप देखना छोड़ दें वो चीज जो आपको लगता है कि आपके माशरे के लिए ठीक नहीं है,
खुद ब खुद अगले क्वार्टर, एक क्वार्टर दो क्वार्टर गुजरेंगे, क्वार्टर मतलब 6 मंथ्स, राइट? 3 मंथ्स का क्वार्टर है, दो क्वार्टर मतलब 6 मंथ्स। आप 6 महीने में तब्दीली देखेंगे कि वो प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे, दूसरे जो बनेंगे वो अलग बनेंगे, अलग जिस पर बनेंगे रेटिंग बिल्कुल। आएगी वही प्ले बनेगा, वही सब्जेक्ट पे काम होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तारीखी ड्रामों की या कुछ ऐसी चीज की, तो उसमें कुछ समझ आ रहा होता है कि आप वहीं पहुंच जाते हैं, उसी उसी लेसन पे पहुंच जाते हैं, उसी तारीख पे, तो वो चीज बड़ी अच्छी लगती है। आपकी तरफ आते हैं, आपकी पर्सनालिटी की तरफ, आपकी फिटनेस का राज क्या है? आपको जो अभी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह कि आपको इतने अरसे से देख रहे हैं, और फिर आप खुद भी अपने आपको एक रखते होंगे ग्रुप, तो इसका क्या राज है? तो आप अपने व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि मैंने कोई बहुत एज में बहुत बड़ी उम्र के लड़कों को देखा है, और बहुत जैसे कहते हैं एज में बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक्टिव लोगों को देखा है, तो इसकी क्या मेन जो इसकी फिटनेस का राज क्या है? हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं फिटनेस के लिए ना कोई जॉगिंग करता हूँ, साइकिल मेरे पास है, मैं साइकिलिंग कभी कभी करता हूँ लेकिन रूटीन में नहीं करता। मैं जिम भी नहीं जाता, मैं अपने घर पे सुबह उठ के कोई 15 to 20 मिनट्स खुद को देता हूँ सिंपल, जिसमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ। गिजा मेरी कोई बहुत खास नहीं है, जो घर में बनता है मैं खाता हूँ, रोटी चावल गोश्त सब्जियां, जो हलाल चीजें अल्लाह ने अदा की हैं मैं तकरीबन सारी मैंने मैंने भी अपने ऊपर हलाल की हुई है, मैं खाता हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं लेट नाइट ईटिंग नहीं करता, मैं बहुत लेट नाइट, आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ, कुछ अल्लाह की तरफ से ब्लेस्ड हूँ कि आपको मैं ऐसा लग रहा हूँ, अदरवाइज अल्लाह की जात के सिवा हर जात को जवाल है। सो मैंने भी खत्म होना है, मैंने भी बूढ़ा होना है, मैंने भी मरना है, मैंने भी मिट्टी में मिल जाना है, और एक वक्त आएगा लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि शहूद नाम का कोई इंसान होता था। इसमें कोई फिटनेस का राज नहीं है। ये बाकी मेरे साथी एक्टर्स जो हैं ये बहुत कोशिश करते हैं, एजाज असलम को मैं जानता हूँ, फरहान अलियागा को मैं जानता हूँ, ये लोग बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं अपनी फिटनेस के लिए। मैं उनका अशरे अशीर भी नहीं करता, 10% भी नहीं अच्छा करता, प्रॉमिस। अच्छा पर ये गॉड गिफ्टेड है आपके लिए माशाल्लाह। अगर ये कहा आई जाए एम ब्लेस्ड, यस, अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत बात है, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज शुक्र हमारे है। प्रोग्राम, और मेन चीज ये है कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज आने का या बुलाने का मकसद यही होता है कि आप अपनी लाइफ में अगर इस सफर में हैं तो किस तरीके, क्योंकि बहुत से हर्डल्स भी आते हैं शहूद लाइफ के अंदर, की जरूरी नहीं हमें बहुत अच्छा अच्छा नजर आ रहा है तो इन दैट सेट, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी सामने फेस करनी होती हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ, तो वो किस तरह से आप, क्योंकि बाज दफा आप क्राउड में भी जाते होंगे, सेल्फीज लोग लेते होंगे, और माशाल्लाह से लोग चाहते हैं कि आप साथ बैठे, तो उस वक्त कैसा फील होता होगा कि एक नोन और एक अननोन पर्सनालिटी बनने में, तो कहते हैं ना कि जब आप अननोन होते हैं फिर एक नोन पर्सनालिटीज हो जाते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हुए? मैं आपको बताऊं सायमा, ये जमीन और आसमान के बीच जितना गैप है ना, इतना बड़ा फर्क फील हुआ है लाइफ में। शोहरत खुदा की कसम मेरे मालिक की एक अजीम नेमतों में से एक नेमत है, बिल्कुल और बिल्कुल मैं पाकिस्तान में जो एक्टर है वो फेम को एक लेवल तक ही बस एंजॉय कर सकता है। मैं बात करूंगा बॉलीवुड या हॉलीवुड, तो वो एक अलग लेवल है। हम पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं हम बहुत एक सर्टन लेवल तक अपनी इस शोहरत को हम एंजॉय करते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जैसे फवाद है, माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको और अता करे, वो हम सब में ज्यादा फेम देखने वाला है। हुमायूं सईद है, उसने बहुत फेम देखा है और उसे एंजॉय किया है। मुझ जैसे जो लोग हैं हम कहीं मिडल में एक्सिस्ट करते हैं, तो मैंने जो फेम देखा है वो उन जितना नहीं देखा। फहद मुस्तफा का माशाल्लाह देखे, अल्लाह पाक उसको और अता करे, तो मैंने उतना नहीं देखा, लेकिन मैंने जितना भी देखा मैं समझता हूँ कि मैं इसके भी काबिल नहीं था। मुझे मेरे मालिक ने बहुत अता किया है, मेरी औकात से ज्यादा अता किया है। और सच बात तो यह है कि ना मैं लिखवा के लाया था, ना मैं कोई एग्रीमेंट साइन करके अल्लाह से लाया था कि उसने मुझे अता करना ही करना है। ये सिर्फ उसकी रहमत, उसके फजल का नतीजा है कि उसने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी शोहरत, इतनी इज्जत अता कर दी कि आप या दोस्त मुझे देख के पहचान लेते हैं। मैं अल्लाह के सामने सारी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आपने बात की। देखिए कहते ना कि समझे तो बहुत कुछ है और ना समझे तो कुछ भी नहीं है, सारी बात समझने बिल्कुल की, जी, ये तो शुक्र अदा करने की, और हम जितना ज्यादा शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला हमें उतने ही नवाज रहा होता है, क्योंकि वो रब है ही नवाजने वाला, और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है। तो आगे आप, हाय हकीकत बात है, क्योंकि मैं देखिए ऐसा मैं ही, रिलीजन से बात करूं कि वो नवाज दे पे आए तो नवाज दे जमाने, वो करीम ही जो वो ठहरे वो करम के क्या ठिकाने है, कि हकीकत में बेशक उसके में कमी नहीं है, सिर्फ हम कोई सबके, हद नहीं। तो अल्लाह ताला ने हमें जितना दिया उस पर सब्र शुक्र है माशाल्लाह से। और सबसे शुक्र मेन चीज ये अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको इतनी खूबसूरत रहमतों से नवाजा, बेटियों से माशाल्लाह से, और बड़ा कर रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह सुन रही होती हूँ, आप बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से अपनी बेटियों का जिक्र करते हैं, तो आज जरा बताएं उनके बारे में भी कि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों की, जैसे मैं अपने फादर की, हम 8 बहनें हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे फादर यही कहते थे कि ये मेरे 8 पिलर्स हैं, ये माशाल्लाह से ये मेरी बेटियां नहीं, ये मेरे बेटे हैं। तो आज आपकी बात, जब मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, क्योंकि जैसे तो मेरा होमवर्क बहुत जरूरी होता है कि मैं जिस पर्सनालिटी को बुलाती हूँ या मैं इनवाइट करती हूँ, तो दिस इज माय ड्यूटी कि मैं उनके बारे में रिसर्च करूँ या उनके बारे में समझूँ या उनके जो भी एक बात होती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। आपने जब अपने बेटियों के बारे में कहा कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा, तो मैं आपके आज अपने व्यूवर्स के सामने मैं सुनना चाहूंगी आपकी जबानी की, आप जरूर बताइएगा जी। अच्छा सायमा, इससे पहले कि मैं अपनी बेटियों के बारे में कोई बात शुरू करूं, आपने अपने वालिद साहब के बारे में एक बात बताई, और हमारे यहाँ बहुत स्पोकनली, बहुत आम सी बात समझ के लोग ये कह देते हैं कि ये मेरी बेटियां नहीं है, ये मेरे बेटे हैं। हम ये बात कहते हुए इनडायरेक्टली ये एहसास दिला रहे होते हैं अपनी बेटियों को कि बेटियां कमतर हैं और बेटे बेहतर हैं, कि हम बेटियों को भी बेटा ही समझते हैं। क्यों बेटी क्यों बेटी नहीं है? हम कभी बेटे के लिए ये कह सकते हैं कि यार ये मेरा बेटा इतना प्यारा है कि मेरी मुझे बेटी की जरूरत ही नहीं है? हम नहीं कहते, हम इसको समझते हैं जैसे खुदा ना खास्ता ये तो बुरी बात है, हम बेटे को बेटी कैसे कहते हैं? लेकिन तो बेटी को बेटा कहना भी उतनी बुरी बात है, बिल्कुल गलत है। हमारी बेटियां बेटियां हैं, अल्लाह की तरफ से रहमत है, मगर बेटियां हैं। हमारी बेटियां बिल्कुल बेटे नहीं है और हो भी नहीं सकते। अगर हो सकते तो अल्लाह उन्हें बेटे ही पैदा करता। मुझे अल्लाह ने बेटा दिया होता, मैं उससे भी इतना ही प्यार करता, इतना ही इश्क करता जितना मैं अपनी बेटियों से करता हूँ। मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं है बेटी और बेटे में, सिवाय इसके कि अल्लाह ने ही दो शख्सियात, दो जातें पैदा की हैं अशरफुल मखलूकात में, उनमें से एक औरत है और एक मर्द है, और उन दोनों को अल्लाह पाक ने किसी भी जगह, कुरान पाक में भी या मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस, किसी किसी जगह उनकी जिंदगी में, हयात तय्यबा में, सीरत में कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने कहीं मर्द और औरत में फर्क किया। मर्द को कुरान ने सिर्फ एक जगह पे एक दर्जा फौकियत की बात की है, और वो दर्जा फौकियत सिर्फ इसलिए दिया है कि वो औरत को अपने घर को चलाने का जिम्मेदार है। इसके अलावा वो फौकियत, उसको कोई और फौकियत नहीं है। मर्द और औरत बिल्कुल बराबर है, इनके अंदर अल्लाह पाक ने कोई, देखिए दोनों के अंदर जज्बात, दोनों को रोना आता है, दोनों को हंसना आता है, दोनों को मोहब्बत करनी आती है, दोनों को नफरत भी करनी आती है। इन दोनों का आपस में मिले बगैर कायनात का सिस्टम चलाना मुमकिन नहीं है। खाली मर्द से चल सकता है या खाली औरत चला सकती है? ओ भाई फॉर गॉड से, दोनों का मिलना जरूरी है। और जब दोनों का मिलना होता है, मिलाप होता है, उससे खुदा खुश होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी हदीस, उनकी सुन्नत जिंदा होती है। तो हम कैसे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मेरी बेटियां मेरे बेटे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बुरी बात है। मैं अपनी बेटियों को ना बेटा कहता हूं, और जितने मेरे देखने वाले दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको अगर बेटियां अता की हैं तो वो खुश नसीब लोग हैं, और अगर बेटे दिए तब भी वो खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह ने उनको चूज किया है। कुरान में अल्लाह पाक एक जगह इरशाद फरमाते हैं, हम जिसे चाहते हैं, कमी बेशी माफ, हम जिसे चाहते हैं बेटे अता करते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां अता करते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों अता करते हैं, और जिसे चाहते हैं दोनों ही अता नहीं करते। तो मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं जिसे कम से कम अता किया गया, है ना। मैं उनमें से भी हो सकता था कि मेरी कोई औलाद ही ना होती, ना बेटा होता ना बेटी होती। तो मेरे लिए बेटियां मेरे सर आंखों पे और मेरे बेटे सर आंखों। माशाल्लाह इतनी गहरी आपने बात की है ना वाकई, कि ये हकीकत है, और वाकई इस हकीकत से लोग मुंह मोड़े होते हैं, मुंह चुरा रहे होते हैं, क्यों ये मुझे समझ नहीं आता। उसकी वजह ये कि हम चाहते हैं कि जो खासतौर पे इर्द गिर्द के लोगों की अगर बात की जाए, कि शादी के होते ही फौरन ये सारी बातें स्टार्ट हो जाती है, तो ये चीज मैं समझती हूँ लोगों के माइंड सेट जो है बदलने चाहिए, क्योंकि कहाँ तक लड़कियां पहुंच गई हैं और माशाल्लाह से जो रहमत है वो कहाँ तक पहुंच गई वो सभी जानते हैं माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये कि जो आपने फर्क वाली बात की, ये तो आपने वाकई दिल को छू लेने वाली बात की है कि कोई फर्क नहीं, क्योंकि पर्सनालिटी अल्लाह तबारक ताला ने जो है वो दोनों की पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए भी, और फिर जब माँ बाप को, जब आपके जो पेरेंट्स थे ना वही आपके लिए रोल मॉडल, आप जैसे ही उनको तरबियत देंगे। मैंने उस सेंस में आपसे ये बात की क्योंकि हम हर हर फील्ड में, हम सारी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना
किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। उसकी रीजन ये कि जब फादर ने हिम्मत दी, एक हौसला दिया, तो वो चीज हमें आगे बढ़ाती गई और मंजिल हम तय करते गए। तो इस चीज से मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आपको भी आगे कायम और दायम रखे। और अपने बारे में जरा कुछ बताइए, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए आपकी, हम तो ड्रामे की बात कर रहे होते हैं आपसे, जो इर्द गिर्द के जो माहौल है उससे तो हम बात, लेकिन मैं आपसे इर्द गिर्द की बात करूंगी कि आप जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं, जो हमें चेंजेस लाने चाहिए अपनी पर्सनैलिटी ऑन करते हुए, तो उस बारे में जरूर पूछना चाहूंगी मैं। और उसमें आप जरूर बताइएगा कि किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए लोगों को आगे आगे किस तरीके से आना चाहिए, किस फॉर्म में, क्या हम हुकूमत को बोल रहे होते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो अहदेदारान होते हैं, हमारी अपनी ड्यूटी क्या है एज ए सिटीजन। अगर बात की जाए, आप किस तरह के सिटीजन हैं या किस तरह की चीज को ओन करते हैं अपने पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, जैसे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम करती है। मेरे पाकिस्तान में जितने भी मेरे बहन भाई, मेरे हम वतन है, मैं उन्हीं की तरह का एक आम आदमी हूँ। मुझसे गलतियां भी होती हैं, मैं कभी कभी सिग्नल तोड़ भी देता हूँ जो कि गलत है। मैं कभी कभी मैं गलत चीज कर देता हूँ, मुझसे हो जाती है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी मैं बड़ा नफीस आदमी हूँ। गलती किसी से भी हो, अपनी गलती को गलती समझना सबसे बड़ा काम है। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती करके उस पर अड़ जाना बुरा काम। शैतान मरदूद और मलून को भी अल्लाह पाक ने गलती के बाद वक्त दिया था कि कहीं वो माफी मांग ले। आदम ने जब गलती की थी तो उसको भी अल्लाह पाक ने वक्त दिया था कि वो अपनी गलती कहीं तस्लीम करता या नहीं करता। फर्क सिर्फ ये था कि शैतान जो के जिन्नात में से है और उसने बेतहाशा इबादत की हुई थी, अल्लाह का बड़ा कुर्ब हासिल था, उसने अपनी गलती के बाद अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया। इंसान ने, आदम ने अपनी गलती करके उसे तस्लीम किया। तो गलती करें जरूर, गलती बुरी चीज नहीं है, गलती सिखाती है, लेकिन गलती को तस्लीम करना बड़ा जरूरी है। तो मैं गलती करता हूं जी और मैं तस्लीम करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान से बेतहाशा इश्क, वालेहाना इश्क रखने के साथ साथ, क्योंकि तरबियत बचपन से इसी तरह हुई थी कि कभी 14 अगस्त पे कोई झंडी भी नीचे पड़ी नजर आ गई है 14 अगस्त के बाद, तो उसे उठा के चूमा करता था जैसे कुरान के सफ़ों को चूमता था। कि मुझे लगता था ये इसकी वही अहमियत है। गालिबन वैसी है नहीं, जो हक बात है, कुरान की बहरहाल एक अलग अहमियत है, लेकिन मैं बच्चा था तो मुझे ये लगता था कि इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन ये प्रैक्टिस मैं आज तक करता हूँ। मैं अपने परचम को नीचे पड़ा हुआ नहीं देख सकता। मैं अपने पाकिस्तानी भाई के साथ जुल्म होता हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, जुल्म तो किसी भी इंसान के साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं एक आम आदमी हूँ जी, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। जैसे आप हैं, जैसे सुनने वाले हैं, जैसे वैसे ही मैं भी हूँ। मैं माफूकुल फितरत तो हूँ नहीं। नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। वाकई अपने पाकिस्तान को हम जो ओन करते हैं, आप क्योंकि माशाल्लाह एक एक्टर हैं, एक कामयाब एक्टर हैं, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से लगता है कि आप वाकई बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर बात की जाए, क्योंकि सम टाइम जब आप किसी शो में होते हैं या आपने किसी ड्रामे में आप एक्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही होती हैं कि जिसको देखकर वाकई लगता है कि इनकी तरबियत कैसी है, इनका माहौल कैसा है, क्योंकि मेन चीज यही है। क्योंकि आप अगर कहीं स्क्रीन पर आ रहे हैं ना, तो आप खुद नहीं आ रहे हैं, आप अपनी तरबियत को लेकर आ रहे हैं, जो मैं रियलाइज कर समझती हूँ, क्योंकि आपसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं और लोग चाहते हैं कि आपको देखते रहें और इसी तरीके से आप मेहनत भी करते रहें। जाते जाते क्या मैसेज आप, कि जो वो मैसेज हो जो लोगों के दिलों पर हमेशा रहे और आपको वो इसी तरीके से याद रखें जैसे अभी रखते हैं? जी, मैं जब बात कर रहा था आपसे, आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे पॉपअप हो रहे हैं लोगों के मैसेजेस, और बहुत थोड़े से टाइम के लिए हो रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन कम है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ पढ़ पा रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। मैं आप सब दोस्तों का जो जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त और मेरी बात से इत्तफाक करें या ना करें, दोनों सूरतों में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया और मुझे सुना। कोशिश लाइफ में भैया कुछ नहीं करनी है, अल्लाह पाक ने बड़ा आसान सा दीन दिया है। बुनियादी तौर पे आप और मैं दुनिया में किसी भी फील्ड से हों, एक छोटा सा काम अगर जिंदगी में कर सकें, और करते ही होंगे बहुत सारे लोग जो नहीं करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, वो कर लें, जो करते हैं वो उसको यकीनन जारी रखें।
वो ये है कि जब भी कोई बात करें, किसी भी महफिल में बैठ के करें, तो वहां अल्लाह का, अल्लाह के दीन का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जिक्र उस महफिल में जरूर शामिल कर लिया करें। उससे आपका जो वक्त है वो तमाम पाक वक्त में लिखा जाएगा। तो जिंदगी ओवरऑल आप गुजारते हैं अपने माश के लिए, अपने कमाने के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, गाड़ियों के लिए, और मैं भी उसी तरह का आदमी हूं, मैं भी यही करता हूँ। लेकिन इसमें अगर जिक्र इलाही शामिल होता जाएगा या जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होता जाएगा, तो वो वक्त पाक होता जाएगा और आपका वो सारा वक्त पाक वक्त में लिखा जाएगा। बस इतना ही मैसेज है मेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारे व्यूज, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के थैंक लोगों यू शबाना। के जी, शबाना का मैसेज में वही पढ़ रही थी अच्छा मैसेज। मेरी ये शहूद के देखें आपकी रियली, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे व्यूवर्स आपको लाइक कर रहे हैं या मैं खुद आपको, माशाल्लाह से आपकी पॉजिटिव, आपके अंदर जो वाइंस आती है ना, वो मैं लोगों को बताना भी चाह रही हूँ, और बीइंग अ पर्सनालिटी आपने खुद माशाल्लाह बताया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी इस इंटरव्यू के अंदर माशाल्लाह से लगी, जो मैं अपने व्यूवर्स को भी कहना चाहूंगी कि देखिये, जरूरी नहीं अगर आप फील्ड के अंदर है मीडिया इंडस्ट्री में तो आप इन सब चीज दूर हो जाते हैं। आपने इनकी बातों में भी देखा कि किस तरह से माशाल्लाह से ये कनेक्ट होके ये सारे काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी। इनकी अपनी लाइफ के बारे में जिस तरह से इन्होंने अपनी माशाल्लाह वाइफ को प्रेजेंट किया अभी हमारे सामने, अपने व्यूवर्स के सामने, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। वरना इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मुझे जो फील हो रहा होता है, या मेरे व्यूवर्स को या देखने वालों को, कि सब नेगेटिव बातें करते हैं। आज आपने सामने आके शहूद लोगों की बहुत सी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव कर दिया है, और बहुत सी ऐसी बातों को आपने उसमें तब्दील कर दिया है। क्योंकि देखिए, आप हो गए, मैं हो गई, हमारे इर्द गिर्द के जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, हम सब एक रोल मॉडल हैं, और जो हम दिखाना चाहेंगे लोग वही देखेंगे, और जो देखना चाहेंगे हम वही दिखाएंगे। ठीक है, तो वही आप वाली बात को मैं आगे कहूंगी कि डेफिनेटली आप अच्छी बात को देखेंगे तो लोग जरूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, सब लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, दिन रात एक हो जाता है सामने। कहते हैं ना, 45 मिनट्स का ड्रामा होता है जो आप देख के हाँ या नहीं में जवाब दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो शहूद आपको खुद बता चुके हैं माशाल्लाह से, कि पूरा एक सफर है, पूरी एक जर्नी है। ऐसे ही कि आप अपना टाइम दे रहे होते हैं, तो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ शहूद। माशाल्लाह आप एक पाकिस्तानी थैंक हैं, यू। और एक वो पाकिस्तानी है कि जो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को और अपने घराने को भी आप माशाल्लाह पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत थैंक अच्छा यू। लगा ऐसा आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह जिंदगी बखैर किसी प्रोग्राम में, किसी जगह इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। और जाते इंशाल्लाह जाते पाकिस्तान का नारा जरूर चाहूंगी कि मिलकर लगाइएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाइंदाबाद, जाके जजाक अल्लाह। जाके।